अस्सलाम वालेकुम। ऐसा ने 20 रुपये दिते आई कोई चीज ले गया अच्छा की हाल ने भाई जी वास्ते कोई चीज़ लिया इस तरह कर कोई एक पापड़ ले ली हल्का जहा जो होंगे और उस तू इलावा कोई लॉलीपॉप वगैरह या कोई टॉफिया अच्छी एंटो ले ला लैके आ रहे चलिए वेलकम बैक जी। टाइम हो गया तकरीबन 6:15 का और मैं उठा जी तकरीबन 6:45 और उस तू बाद नाता वा हूं थोड़े सामने आ रहा बिलाल पैप बार कट के बेटे लॉन नू पानी ला दे। हाँ इन्हें पानी ला दे सारी दिहाड़ी कल भी शाम मेरे को पानी नहीं लगा और अज भी सारा दिन हो गया कोई नहीं पानी लगे पानी चंगा निघा करके पानी लाना वा ठीक है। हाँ बाजार के दो कम ने जी एक बेगम कह रही चावल लैके आने ने चावल लेने ने और उसके अलावा यह वाला जग जड़ा ना एक साड़ी मतलब की इन्हू कहते हैं जूसर मशीन का जग ये खराब हो गया ए अगले दिन असी ना चावल रगड़े ने बरीक करना उन्होंने पाउडर बनाना सी जी अंदर वाली फिरकी जी है ना वो होगी जाम तो वह सैट करवानी है और उस तो इलावा इनकी जी मुठ होंगी है ना जितू फड़ के जग नू मतलब बंदा इस्तेमाल करता है वो वाली मुठ भी जी टूटी हुई है वह भी वैल्ड करवानी है अगर वो इतू कि होगी। तो बेगम साहबा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है सिर नू दर्द है इस वजह तू भी ब्लॉग के नहीं आ रही और हूँ जा रही है नाल साडे अस्पताल उन्होंने को दवाई लैन वास्ते और उन्होंने की कोई ज्यादा हैवी डोज ना देन ठीक है ब्लड चेक करवावी ब्लड चेक करवाने तू बाद फिर दवाई लेनी ठीक है एवं नहीं दवाई सिर की पीड़ दी लेनी ठीक है। चलो ठीक है तुसी उधर जाओ तो मैं जरा ना लेके आना समान और लॉन मेरा जरा ना जी तकरीबन काफी ज्यादा खुशक होया खला और पानी की जरूरत है कल भी सारा दिन मेरे ख्याल पानी इन कोई नहीं लगा पहले टाइम लगा सी और उस तो बाद कोई नहीं लगा और हूं भी पानी जरा ना हाले तक अज की सारी दिहाड़ी कोई नहीं लगा तो हूं मैं बिलाल आख्या कि इन पानी ला दे इन्हें अगले सीजन नींबू आप देने ने बेगम हूं इन्हें कोई नहीं देने नींबू मिट्टी का फर्क होंगे जमीन का फर्क होंगे और इथे वाली जमीन जी ना कोई डी खास है नहीं 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 इन्ने ज्यादा पौधे ग्रो करते ही कोई नहीं कोई पिया और ओ वेखना बेलां जड़ी ने बेलां दिन ब दिन चढ़दियां ने ओ भी कोई नहीं होंदियां पिया मिट्टी इस तरह दी है जी मेरी जान वे किरा बंदा आ गया फूल ले फिर दे हो ऐजा ने दिता है। अच्छा ले जाओ अंदर ले जाओ आप एक साथ अंदर चले जाओ चुप होगी खुशबू आ रही जाओ अंदर ले जाओ और चप्पल पहनो इसका दूसरा पाओ किधर है जूते का दूसरा पाओ इसका पहनाओ बेटा और खुद भी चप्पल पहनो आप भी। सनसेट होने वाला है जी हूं मैं जा रहा वहां बाजार कदों आवांगा चावल लैके कदों पकणगे कदों खावांगे मतलब तकरीबन सानू इशा दा टाइम हो जाना ते भुख पहली बड़ी लगी खड़ी है दोपहर भी जी इन्हें एड्डी खास रोटी कोई नहीं खाधी क्योंकि साडे मेहमान सी सुबह सुबह नाश्ता करके असीं शहर चले गए उधर ही वो वापस घर चले गया सी और असीं वापस आ गए अपनी हसबे रूटीन ते और साडी हसबे रूटीन ये है कि असीं दोपहर नूं खाना कोई नहीं खाते सुबह नाश्ता और शाम रोटी बस दोपहर नूं अगर बच्चों नूं भुख होवे उन्हां वास्ते सुबह ही दो तीन रोटियां वध पका के रख दी दीआं ने जदों वो दोपहर वापस आते हैं स्कूल अलू वो खा लेंगे ने और असी कोई नहीं खाते और बाद उकात वो अपना नाल लैके जाते हैं टिफिन च पा के उत्थे खा खू के आ जाते हैं उन्होंने भी भुख नहीं होंगी तो बस साड़ी इस तरह की रूटीन है कि दोपहर में साड़ा कोई खाण का मतलब है ना एक तरीके का रूटीन कोई नहीं है और बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अगर कोई नाश्ता टाइप करना हो रोटी सुबह की पक्की पई हो तो वह खा ली नहीं तो कभी भी नहीं खाती। गर्मियों के लोग तीन दफा खाते हैं और साड़ी गर्मियों के भी दो टाइम की रूटीन है अपने कारोबार के हिसाब न जी है ना जी अनाज खाधा जाता है अगर तुम हार्ड काम करते हो सारी दिहाड़ी तो फिर तुम्हें तीन टाइम खाना जो है ना वो खाना भी पैदा है और खाना भी चाहिए और अगर तुम कोई हार्ड काम नहीं करते तो फिर तुम्हें दो टाइम ही खाना चाहिए अपने आप से अनाज का बोझ नहीं पाना चाहिए। जग साडा जिहड़ा ना जी वो वैल्ड भी नहीं होया और उसकी फिरकी भी सही नहीं हुई इलैक्ट्रीशियन कह रहा है कि सुबह होएगा और वैल्डर भी कह रहे हैं कि सुबह होएगा हूँ साडा छुट्टी का टाइम है और हूँ असं काम नहीं करना हम चलो जी ठीक है अभी भी सुबह करवा लाँगे उधर फिर बरा के ना आ गया भाई उमर को भाई उमर जी सू चावल दो घर पकाने वास्ते अच्छे जे जड़े ना मजेदार पकना है ठीक है सर बिल्कुल जरूर हाँ चंगे सोने ते सस्ते किन्ने सीधा हाँ जी आपने पकड़ना है तो गिराना नहीं है अब काबू करके पकड़ो इधर से हाथ डालो ना अंदर से ऐसे ऐसे पकड़ो ऐसे साढ़े घर की वडकी है जी है अली
जो मैं कुछ चीज बहरू लेके आनी होंगी ना इन्हें भज के आना होंगे और इन्हें पकड़नी होंगी। आ देखो ना फैजा इधर मेरी बात सुनो, बात तो सुनो, मम्मा को बोलो, मम्मा को बोलो उठो पकाओ। शापर पाड़ दे से मैंने भी चावल बनाने हैं, हमने वीडियो बनानी है। जग मेरा बन गया जी, अद्धा अद्धा बनया, अद्धा कोई नहीं बनया क्योंकि मोट होंगी जी है ना वो कोई नहीं लगी, वो मैंने गैस वेल्डर लभे कोई नहीं, मतलब दो दुकाना खुलिया हैं लेकिन जो करते हैं ना वो नहीं बैठे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। और जड़ा इलेक्ट्रीशियन है एक भाई ने तो मैंने मना कर दिया, उन्होंने कहा भी आज नहीं बनती, सुबह आके ना मेरे को बनवा लमी, तो फिर मैं अगे चला गया दूसरे को भाई को जो है ना वो बनवा के ले आया और इधर काम देखो। यदा पैसा ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो है, आप चप्पल क्यों नहीं पहनते है, चप्पल क्यों नहीं पहनते आप, एक पाव आपने पहना हुआ एक नहीं पहना हुआ, ऐसा नहीं उतारा है क्यों, ऐसा से पूछूं, चलो पूछते हैं। ऐसा ऐसा सामने आओ, आपने इसकी चप्पल क्यों उतारी हुई है एक पाँव, वो कह रही है ऐसा नहीं उतारा है, तो आप पहनाओ दोबारा। फैजा फैजा ये देखो इसने क्या कर दिया, आप वापस मारे ये कर दी की है, और डिग पैसे ना कर, कोई नहीं सफाई हूं इस टाइम करनी, बस रख दे इधर आओ और मेरी गल सुन, मैं तेरे नाल पंजाबी जी गल करा फिर ही तेन समझ आनी है ना, उर्दू नहीं समझ आ रही तेनों, मैं कह रहा वहां इधर मेरी गल सुन, मैं कह रहा वहां दूसरा पैर भी जुत्ती का पा पा ना, लैके आ नहीं दूसरा पैर जुत्ती देता तेन पवा। फैजा टूट गया हुआ है तो फिर कैसे पहनेगी वो, रख दो दूसरी चप्पल इसको पहना दो अगर ये बार अभी फिर रही है तो। अच्छा ये नहीं, ये अब नहीं ठीक होगी, ये नहीं लेंगे, बात सुनो इसको दूसरी चप्पल बना दो, इस तरह कर, तबीयत तेरी ठीक नहीं है ना तो सिर्फ सादे चावल पका दे, चावल इसी तरह धो के ना पानी पा के उत्ते रख दे, बस वहाँ पे हो जाएंगे ठीक है, बाकी वो है ना छोरा जो पिया होया छोरा है ना बस वो खा ली शायद उठा सादे उत्ते पका दे, नहीं ज्यादा खेचल नहीं कर, अग बालना वा मैं अग बालने जी, बेगम की तबीयत ठीक नहीं है ना तो मैं सादे चावल पका दे, अग बाल देने और उत्ते रख देगी चावल, और उस तो बाद एक बार उन्होंने जरा ना उल्टाना पेगा चावलों में क्योंकि जो इजाफी पानी जरा ना वो करना पैदा, अगर उल्टा दिए ना तो फिर चावल नहीं सही बनते। फैजा जी है ना जी मेरिया शिकायत लादी पी है, ये की शिकायत ला रही मेरिया, अगर हाँ तू मेरी मैं तेरे नाल गल करना वा तू मेरी शिकायत लादी पी है, आज आज दोवे नाल मैं तेरे नाल गल करना वा, आ जा तू मेरी शिकायत लानी है, अगर आख मैं तेरे नाल गल करना। बेगम ने अग बाल दी सी जी और बेगम ने चावल पका लिए हुए ने जी और वह भी चल के खाने, मैं इतने बैठा ना वीडियो एडिट करता पाया सी और बाहर का मौसम जरा थोड़ा जाना इंजॉय करता पाया, गर्मी इंतहा दी पैंदी भी है जी, अंदर भी सुकून नहीं आ रहा बाहर भी सुकून नहीं आ रहा, और मैं दीवारा करा के ना पछता रहा वा, गलती की थी, बहुत वड्डी गलती की थी, अगर मैं दीवारा ना करवाता ना तो मेरा वेड़ा सी खुला, और खुला वेड़ा सी ना तो हवा जी है ना शाम को हवा फिर जाती सी और मौसम जरा इन्ना वो हो जाता सी ठंडा, और इन्नी ज़्यादा गर्मी है कि मैं वीडियो बनाता पाया और मेरा मोबाइल जरा ना ओवर हीट हो के फ्लैश लाइट बंद हो गई। गल करता पाया जी मैं गर्मी इन्नी ज़्यादा होंगी भी है ना कि यकीन करो अंदर बाहर सुकून ही कौन नहीं होता पाया, मैं जदों दीवारा करवाइया ने ना उदों का मैनू तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पछुताते पे जी, असी मतलब इन्ना ज़्यादा पछुताते पे हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं इन्हों ना पट देव दीवारा और इटा जड़िया ना खाली करके बाहर रख देव, तो फिर मैं सोचना वा कि जड़िया मैं इटा कट के बाहर रखनिया ने मैं मजदूरी भरनी है पटावन की, फिर कल न लवानिया तो हैं कि चलो महीना डेढ़ है हूँ गुजारा जरा ना कर लवीए किसी न किसी तरीके, तो फिर अल्लाह खैर करेगा अगर सर्दियों के अल्लाह तला ने गुंजाइश बनाई
तो लैंडर पा लवेंगे, और अगर ना गुंजाइश बनी तो फिर पिछे जो टी वी लॉन्च है ना साडा उनके छत जी है ना आरजी टी आर गार्डर या फिर मतलब कोई किसी किस्म की भी छत जी है ना वो मैं जरूर पावगा ताकि कुछ जी है ना सू खैर सलाह हो अगलिया गर्मियां जी ना वो इस तरह नहीं गुजारा उदो तो असी अद्धी लाजमी छत बना लवेंगे मतलब टी वी लाने पर और लाइट भी बंद हो गई जी रोटी भी खाने लगे सी अल्लाह ही वारिस है जी साडा भी अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पहुंच चुके हैं और लाइट बंद हो गई है कूलर चलाया कूलर की आवाज इतने तक बिल्कुल थोड़ी आंदी पी है क्योंकि वो सामने तो नजर आंदा पे उसी बैटरी बिल्कुल जी है ना 10 पॉइंट तकरीबन 11 पॉइंट ना मतलब राउंड बाउंड है और बैटरी जी है ना तकरीबन 13 पॉइंट हो ना तो बैटरी फुल होंगी है सारा दिन कूलर चलता रहता ना इस वजह तू फिर ज्यादातर ना फुल चार्जिंग इनकी जी है ना शाम तक आँदी नहीं फिर शाम को गुजारा ही होंगे अगर बिजली चली जाए तो कोई घंटा आता बहरहाल जी बिजली आएगी 9:30 बजे 9:15 बजे और उन्नी देर इंतजार तो कर नहीं सकते इस वजह खाना दे रहे हैं जी साढ़े को पाए का शोरबा है और नाल असी बनाए ने सादा चावल बच्चे रेडी ने खाने वास्ते हैं जी फैजा चावल खाने हैं हाँ जी हाँ जी इजाजत वीडियो तो खास नहीं बनी सेकंड टाइम दी क्योंकि मैं सो गया सी और सुता उठा मैं बहुत लेट हाँ हाँ जी बेटा हाँ जी ते सुता जड़ा ना जी मैं लेट उठा ते इस वजह तू ना कोई एडी खास वीडियो तो कोई नहीं बनी ते बहरहाल जिस तरह की भी बनी है कंप्रोमाइज करना इंशाल्लाह सुबह एक अच्छी जी प्यारी जी निकी और मिठी जी वीडियो दोबारा हाजिर होवांगे सफदर सैन की पूरी फैमिली को इजाजत अपना बहुत सारा ख्याल रखना है दुआवां याद रखना है पंडा बन बन प्यार और अल्हम्दुलिल्लाह जी चावल मेरे आ गए हैं अगर तुम भी खाते हो तो सौ बिस्मिल्लाह मिलके खाने हैं।